जिला कांग्रेस कमेटी ने पार्टी कार्यालय पर स्वतंत्रता दिवस मनाया। पार्टी कार्यालय पर झंडारोहण कर राष्ट्रीय गान गाया। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि आज देश को आजाद हुए 75 वर्ष हुए, जो सभी के लिए गर्व व गौरवान्वित करने वाली बात है। हमें आपसी भाईचारे के साथ शांति का माहौल बनाते हुए देश को विश्व पटल पर अग्रिम पंक्ति पर रखना है। हमारे देश की अखंडता, विविधता व एकता का पूरा देश कायल है। दुनिया के बड़े लोकतंत्र में शामिल हम शांति के प्रतीक हैं। आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर झंडारोहण किया। अध्यक्ष ने कहा, स्वाधीनता दिवस मनाया गया। यहां से शहीद स्मारक तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पैदल आजादी की गौरव यात्रा का आयोजन किया गया। शहीद स्मारक पर जाकर हमारे देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि व श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। बताएं किस तरह का कार्यक्रम है आज? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के अमर शहीदों को नमन करते हुए समस्त देशवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त जिलेवासियों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारा देश हमेशा खुशहाल रहे, आपसी भाईचारा यहाँ कायम रहे। अभी हमने आज 15 अगस्त को कांग्रेस कार्यालय पर यह झंडारोहण किया है और अब झंडारोहण के उपरांत हम यहाँ से शहीद स्मारक तक आजादी की गौरव यात्रा निकालेंगे और शहीद स्मारक पर हमारे शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और यही हमारी कांग्रेस पार्टी की हमारे अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिनकी वजह से हम स्वच्छ भारत में और एकदम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं।